हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मिस्टर महादेव चैनल। सो भाइयों, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ टेक्नो पोवा 3 मोबाइल के बारे में, जो कि ये मोबाइल इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसको अभी आप परचेस नहीं कर सकते, सेल इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। No, God, please. वो आपको एंड तक बता दूंगा इसका सेल कब स्टार्ट होगा। सो इस मोबाइल में आपको कुछ ज्यादा एडवांस फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा। इस मोबाइल को आप पावर बैंक के भी जैसा यूज कर सकते हो। सो यस गाइस, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे, कुछ ज्यादा फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो भाई के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल में। लेकिन उसके पहले आपको तीन कलर वेरिएंट यहाँ देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक, ब्लू, सिल्वर, तीन कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। रैम रोम की बात कर लेते हैं, आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा, 464 उसी के साथ आपको 3 GB का वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलेगा और 128 देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ इसमें आपको 5 GB का वर्चुअल रैम देखने के लिए मिलेगा, तो आपको रैम रोम में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। डिजाइन और बिल्ड मटेरियल की बात करते हुए आपको फुल प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाएगा। डिजाइन में वाइस इसमें आपको बैक साइड में सेंटर में LED लाइट देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ आपको चेंजेस भी करने के लिए मिलेगा। डिजाइन बिल्ड मटेरियल में आपको नेक्स्ट डिजाइन यहाँ देखने के लिए मिलेगा, बेस्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो डिजाइन और बिल्ड मटेरियल में आपको कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी, गुड लुकिंग फोन है। इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा 6.9 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा। ऑल ओवर इसमें आपको सभी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस में कहा जा रहा है इसमें MediaTek Helio G88 का चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, काफी बेस्ट चिपसेट हुआ है ना, फैब्रिकेशन के साथ आता है। हीटिंग का प्रॉब्लम, लैग्स का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ज्यादा लैग्स करेगा, हीटिंग का प्रॉब्लम होगा, तो इसमें आपको लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको इसमें लिक्विड कूलिंग मिल रहा है, सो बहुत ही मस्त आपको इसमें गेमिंग मिल जाएगा खेलने के लिए प्राइस पॉइंट के हिसाब से। कैमरा सेटअप में कहा जा रहा है 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। 8 MP का फ्रंट में आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा, डबल LED फ्लैश के साथ फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप भी आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी में आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा आपको बैटरी देखने के लिए मिलेगा। 33 W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलेगा, चलेगा इतना वाट, प्राइस रेंज के हिसाब से काफी है। और इसमें आपको न्यू 10 W का चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको रीयूज चार्जर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि आपको पावर बैंक जैसे इस मोबाइल से दूसरे मोबाइल में आप चार्ज कर सकते हो 10 W को भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो इसमें आपको नेक्स्ट लेवल के स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, ये कुछ लेटेस्ट कुछ न्यू किया गया है यहाँ बैटरी में। सो मोबाइल को यहाँ पावर बैंक भी बना दिए हैं टेक्नो ने, सो बहुत अच्छी बात है। डबल स्टूडियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा और ये मोबाइल एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है। इंडिया में ये मोबाइल लॉन्च हो चुका है और 1-2 हफ्ते में ही इसका सेल स्टार्ट होगा, तो इसको आप फर्स्ट सेल में परचेस कर सकते हो। सो मोबाइल काफी अच्छा और इसके प्राइसिंग का तो ऐसे चेंज होते रहता है इसका प्राइस, इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ। अदर्स कंट्री में कहीं 11-12 हज़ार के रेंज में लॉन्च हुआ और इंडिया में अभी इसका सेल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा इसके प्राइस के बारे में। कहीं ना कहीं इसका प्राइस बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहे हैं 15,000 वाले स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, 15,000 में जो मोबाइल लॉन्च होते हैं उससे बेटर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसका प्राइसिंग कहीं ना कहीं 13 तक जाएगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो क्या प्राइस पॉइंट होगा वो मैं नहीं बता सकता। सो 1-2 हफ्ते रुक जाओ, इसके बारे में पूरा लीक्स आ जाएगा और इंडिया में सेल भी स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना अच्छा लगता है, भाई का थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।